हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्ट्रा जी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है यहाँ पे दो फोन, एक है मेरे पास वन प्लस नॉर्ड और दूसरा है रियलमी 7। तो दोस्तों दोनों का आज स्पीड टेस्ट करते हैं, दोनों ही फोन हमारे पास है, तो दोस्तों एक बार स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं दोनों में से कौन सा फास्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर न्यू है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले प्राइस की बात करें तो नॉट हमारा 28,000 का है, इसमें 8GB रैम मिल जाता है और 128GB स्टोरेज मिल जाता है। ये फ़ोन दोस्तों मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, ओके। और इसी जगह दोस्तों रियलमी 7 की बात करें तो इसमें 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलता है, इसका प्राइस है 15,000। तो फ्रेंड्स, इसका भी स्पीड टेस्ट करेंगे और स्पीड टेस्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ोन को रिबूट करके देखेंगे दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन सबसे पहले ऑन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले रियलमी 7 ऑन हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहां पे स्पीड टेस्ट करेंगे और स्पीड टेस्ट करने से पहले दोस्तों यहां पे वाईफाई कनेक्शन देख लीजिए, दोनों ही एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले स्पीड टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टेस्टिंग का जो रिजल्ट निकला है, यहाँ पे डाउनलोड स्पीड 10.6 मिल जाता है नॉर्ड में और यहाँ पे आपको रियलमी 7 में 13.3 मिलता है, रियलमी 7 का बेस्ट है। और यहीं पे दोस्तों अपलोड स्पीड की बात करें तो यहाँ पे देखिए 18.2 MB/s यहाँ पे मिल जाता है नॉर्ड में और यहाँ पर रियलमी 7 की बात करें तो 9.03 मिलता है अपलोडिंग स्पीड। तो अपलोडिंग स्पीड दोस्तों यहाँ पर नॉर्ड का काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे फ्री फायर, तो फ्री फायर को ऑन करते हैं दोनों एक साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक साथ ओपन हुआ है। लोडिंग कौन सा पहले लेता है ये चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन प्लस नॉर्ड में सबसे पहले ओपन हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है सबवे सफ़र, तो इसे ऑन करते हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों दोनों एक साथ ऑन हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेम्पल रन, तो टेम्पल रन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्ड में सबसे पहले ओपन हुआ है, ओके। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड में सबसे पहले ओपन हुआ है। उसके बाद अमेजोन है, अमेजोन को ओपन करते हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों दोनों का स्पीड सेम है। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं। ये देखिए वन प्लस नॉर्ड में सबसे पहले ओपन हुआ है, ओके। प्ले स्टोर है, तो आप प्ले स्टोर को ओपन करके देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सेम स्पीड है दोनों ही का। उसके बाद यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं दोनों को एक साथ, देखते हैं कौन सा ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए रियलमी 7 में सबसे पहले ओपन हुआ है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सा पहले ओपन होता है।
तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ओपन हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक वीडियो रेंडर करके मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सबसे पहले ओपन होता है, सॉरी एक्सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो रेंडर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये है हमारे पास रियलमी 7 और ये है हमारे पास वन प्लस नॉट। दोनों में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे दो वीडियो है। एक्चुअली दोस्तों इसमें आप 4K वीडियो रेंडर कर सकते हैं और रियलमी 7 में 4K वीडियो रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है हमारा 4K का, ये एक्चुअली इसी फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ है, रियलमी 7 से मैं ट्रांसफ़र किया था, लेकिन दोस्तों रियलमी 7 में सपोर्ट नहीं किया काइनमास्टर में, और यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस नॉट में सपोर्ट कर चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ। ये दोनों वीडियो दोस्तों एक ही वीडियो है और ये रियलमी 7 से रिकॉर्ड किया हूँ, दोनों में ट्रांसफ़र कर लिया। ओके, और ये एक मिनट का वीडियो है, रेंडर करते हैं और दोस्तों देखते हैं कौन सा सबसे पहले रेंडर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉप वॉच है जिससे मुझे पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। तो इसका प्रोसेसर का दोस्तों ताकत देख सकते हैं, यहाँ पे असली पावर देखने को मिल जाता है। तो वन प्लस नॉट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट होने का हुआ और ये देखिए हो चुका है। ओके, तो और अभी तक दोस्तों यहाँ पे रियलमी 7 में एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, वन मिनट का वीडियो है, सेम वीडियो है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स अभी जाके यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हुआ है रियलमी 7 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विनर है ये वन प्लस नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि वन प्लस नॉट में 765G प्रोसेसर मिल जाता है, कितना तगड़ा है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही फास्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, वीडियो रेंडरिंग हो चुका है और यहाँ पे रियलमी 7 में काफ़ी लेट हुआ जैसे कि आपने देखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉप वॉच चल रहा था तो वहाँ पे मैं टाइम को पॉज कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा कितना देर में कितना हुआ, ये लाइव रिकॉर्ड चल रहा था। ओके, तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं बोलूँगा वन प्लस नॉट अच्छा है या रियलमी 7 अच्छा है। दोस्तों मेरे पास ये दोनों फ़ोन था, मैं स्पीड टेस्ट कर दिया, रियलमी 7 प्रो आएगा तो उसके साथ भी स्पीड टेस्ट कर देंगे। इससे दोस्तों बस इन्फॉर्मेशन लेना है कि कौन सा सबसे फास्ट है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा दें क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और इस दोनों फोन में से आपको कोई भी फोन बाय करना है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप दोस्तों इस फोन को बाय कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप अगर चाहे तो मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।